स्वागत है आपका हमारे समाज और बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी हर खबरें बिहार की। यहाँ देख रहे हैं टुडे बिहार एजुकेशनल न्यूज अपडेट्स, आज दिनांक 25/6/2022 का। चलिए अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। स्थानांतरण की मांग को लेकर 27 से शिक्षक देंगे धरना। संघ के राज्य संयोजक ने शिक्षकों से की अपील, पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। प्रभार नहीं मिलने से स्कूलों में मध्याह्न भोजन हो रहा प्रभावित। हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए बीईओ के पास जाने की है मजबूरी। विद्यालयों में नामांकित छात्रों को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। सासाराम जिला से न्यूज है। बच्चों की पढ़ाई वो गरीबों के घर पर खर्च होंगे 11,196 करोड़ रुपये। पटना से न्यूज़ है। 25,765 करोड़ खर्च होंगे वार्षिक स्कीम मद में, 17,954 करोड़ खर्च होंगे स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में, 100 करोड़ आपदा निवारण कोष मद में खर्च किए जाएंगे। इस तरह से आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के फिर रह गए 111 पद रिक्त, मात्र 10 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। कुल 261 पदों में से 110 का पूर्व में हो चुका है चयन। ये सासाराम जिला से न्यूज है। खाली रह गए शारीरिक शिक्षा के 111 पद, सिर्फ 10 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। जिला मुख्यालय में बनाए गए थे 2 केंद्र, 4 इकाई के लिए नहीं हुई काउंसलिंग। सासाराम जिला से न्यूज है। बेसिक ग्रेड के प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति की मांग, राजकीयकृत स्कूलों में होगा तबादला। दोनों न्यूज पटना से है। स्कूलों में नहीं ठहराए जाएं पुलिस के जवान, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का निर्देश। एनसीईआरटी के सुझाव को नहीं मानते राज्य के 90% स्कूल। हर विषय की पढ़ाई रोज होने से सभी किताबें लानी पड़ती है बच्चों को। स्कूल रूटीन बनाने से पहले इस बात पर नहीं देते हैं ध्यान। LKG वो UKG तक के बच्चों को लानी पड़ती है 4-4 किताबें। 2005 से बना था नियम पर अब तक लागू नहीं हुआ। इसको बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर आप। फाइलेरिया उन्मूलन, साल में एक बार खिलानी होगी दवा। कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर 2 वर्ष से ऊपर की उम्र को दी जाएगी दवा। 15 से 30 जुलाई सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा 7 जुलाई से शुरू होगा। सदर अस्पताल के पारा मेडिकल संस्थान में ट्रेनिंग लेते चिकित्सक व पदाधिकारी। शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को 15 जुलाई तक होगा बकाया भुगतान। पटना DEO ने बताया, वेतन विसंगति को दूर करने के बाद ही किया जाएगा एरियर का भुगतान। इंटर 9 चरणों में भरा जाएगा फॉर्म। बिहार बोर्ड ने कॉमन प्रोस्पेक्ट जारी किया, रोल नंबर, जन्म तिथि व उत्तीर्ण वर्ष भरना होगा। 43,775.2315 करोड़ का रखा गया अनुपूरक बजट। BPSC पेपर लीक में केंद्र अध्यक्ष गिरफ्तार। न्यू दिल्ली का न्यूज़ है। एयरफोर्स में अग्निवीरों के रजिस्ट्रेशन 5 तक, 24 जुलाई को एग्ज़ाम, 1 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। CET BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि में केवल बदलाव हुआ है, इसके सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता। गया से लीक हुआ था पेपर, कॉलेज प्राचार्य गिरफ्तार। क्लेट का रिजल्ट जारी, काउंसलिंग के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। फॉर्म भरने के नाम पर शुल्क से 2 से 3 गुना फीस वसूल रहे स्कूल। CIS
SEE का बदल गया टोल फ्री नंबर। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर आप इसको पढ़ सकते हैं। दिनांक 26/6/2022 फातिमा हॉस्पिटल पूर्णिया के द्वारा निःशुल्क मेगा एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। स्थान वार्ड नंबर 33 सामुदायिक भवन दरगाह शरीफ चिमनी बाजार पूर्णिया बिहार। समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। स्वास्थ्य पूर्णिया समृद्ध पूर्णिया निःशुल्क मेगा एक दिवसीय चिकित्सा शिविर दिनांक 26/6/2022 यानी कि कल। समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। तत्वावधान फातिमा हॉस्पिटल पूर्णिया। सौजन्य विभा कुमारी, पूर्व महापौर नगर निगम पूर्णिया। नोट, चिकित्सा शिविर में बीपी एवं शुगर की जांच की जाएगी। डॉक्टरों के परामर्श पर जरूरतमंदों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जाएगी। यथासंभव गंभीर रोगियों को आगे भी चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप पूर्णिया से हैं, पूर्णिया मार्केट के आसपास में हैं, अगर आपके परिवार से कोई बीमार हैं तो अगर आपको लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो आप ज़रूर जाके मिल सकते हैं, अपना चेकअप कराएं। थैंक यू। अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। हमारे चैनल में डेली बिहार एजुकेशनल न्यूज़ अपलोड किया जाएगा। आप जिस अपलोड किए गए टॉपिक में से आपको जिस टॉपिक का डिटेल्स में वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताएं, आपको डिटेल्स उसका वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।